बड़े लोगों की बिना यही बातें होती हैं। जब दिल चाह काम कर लिया, नहीं दिल चाह तो नहीं किया। शहनाज जी बीबी, किचन का काम हो गया? शाम होने को है, समेटा है कि नहीं? जी बीबी बस हो गया। जान नहीं है, तुम भी सुस्त पड़ी हुई हो। जी क्या हो रहा है? बस सफाई कर रही हूँ और पकौड़े बनाने के लिए। हलिया तैयार है? हाँ बस हलिया तैयार है। जाओ जाके उसे देखो, मैं संभाल लूंगी। शहनाज बोलो। बिल्कुल सही कहते हैं बड़े लोग, घर में मेहमान हो ना और सब मौजूद हो तो रौनक भी रहती है और बरकत भी। भाई मेहमान तो एक दिन का होता है एहतशाम, और हम तो बिन बुलाए मेहमान बनकर रह गए। अरे भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप, ये तो आपका अपना घर है। एक्सक्यूज मी, मैं अभी सुन के आया। हेलो, क्या बात है? आज हसन अभी तक नहीं आया, लेट हो गया काफी। रोज तो जल्दी आ जाता है, आज थोड़ा सा लेट हो गया, आने वाला होगा। वो एक्चुअली हसन काफी बिजी था आज। वो डैड के बिजनेस पार्टनर की बेटी है ना, क्या नाम है उसका, जिया। हाँ जिया, बस वो उसी के साथ कुछ मीटिंग्स थी उसकी। मेरा तो ख्याल है अभी भी दोनों साथ में ही होंगे। वैसे बिली बता रहे थे कि काफी शौक है उस लड़की को बिजनेस सीखने का, इसलिए डैड ने उसे हसन के साथ काम करने के लिए लगा दिया। और हसन तो आज ऐसे खुश हो रहा था जैसे कोई कारनामा अंजाम देने वाला। डैड को तो तुमने मुतासर कर लिया चांद, लेकिन मैं तुम्हारी चालबाजी में आने वाला नहीं। तो और क्या कहूँ, तुमने जान बूझ के मेरी प्रेजेंटेशन डिलीट की ताकि मैं डैड की नजरों में गिर जाऊँ। हसन अगर जैसा करना होता तो तुम मेहनत क्यों करती फाइल कवर करने के लिए? सिर्फ इसीलिए कि तुम डैड की नजरों में अच्छी बन जाओ। कुछ और समझते ना समझते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे आपको कोई सफाई नहीं देनी है। सिर्फ यही कमाल बात नहीं है कि तुमने प्रेजेंटेशन कमाल बनाई, लेकिन उससे कमाल बात यह है कि हमारी बहू चांद डिलीटेड डेटा रिकवर करने की सलाहियत रखती है। वेल डन बेटा। हसन मियां, लेट मी टेल यू, तुम एक बहुत खुशकिस्मत इंसान हो। डोंट यू फॉरगेट इट। सर मैं कमिंग। सर अगर आप कहें तो पीन से क्या क्या आपके लिए खाना लगवा दूं? नहीं यार, रहने दो, खाना मैं घर जाके खाऊंगा। अच्छा तुम एक काम करो, तुम छुट्टी करो, काफी देर हो रही है, घर चले जाओ। और जाते हुए किचन में जरा कॉफी का एक कह जाना, मेरा भी थोड़ा काम बाकी। राइट सर। एहतशाम साहब, वो कुछ कहना चाह रहा था मैं। हाँ बिल्कुल कहिए। आप लोगों को नहीं लगता कि हसन और चांद के दरमियान कुछ ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है? या लगता भी है, मुझे पता भी है, लेकिन अदील मियां ये उनका जाती मामला है। मेरा ख्याल है मियां बीवी के मामलात में हमें नहीं बोलना चाहिए।
जहां तक ताल्लुक हसन की तुंद मिजाजी का है, उसके गुस्से का है, उसके बारे में मैं कुछ कर सकता हूँ, रोक टोक सकता हूँ मैं उसे, लेकिन इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? चांद, अगर मेरी मानो ना तो खुद से अपना कमरा छोड़ के मत आओ बेटा। हाँ, अगर हसन कुछ कहना चाहे तो तुम भी बात कर लेना, क्योंकि बात करने से ही मामला सुलझते हैं। कभी कभार बात करने से मामला और बिगड़ जाते हैं। तुम ये कहना चाह रही हो कि तुमने मुझे अपने दिल की बात बताकर गलती की है? अरे बेटा, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुम ये तो जानते हो ना कि मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहती हूँ, और इसीलिए मैंने फरजाना को भी समझाने की कोशिश की है। मगर अम्मी ने साफ साफ कह दिया है कि अपने मामलात में खुद संभालो, मेरी मदद नहीं करेंगी वो। लेकिन अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तुम खुद को क्यों अकेला समझती हो? तुम्हारे मामू भी बहुत ही परेशान थे तुम्हारे लिए, कह रहे थे कि जाने से पहले मैं इत्शाम से ज़रूर फाइनल बात करके जाऊँगा। कैसी फाइनल बात? भाई यही कि तुम्हारे और हसन के बीच में जो उलझने चल रही हैं उनको सुलझाने की कोशिश करेंगे वो लोग, और क्या। तो इस बात का क्या मतलब हुआ? आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि हसन का चांद के साथ कुछ भी रवैया हो, वो चाहे जैसा भी सलूक करे, आप उसे रोकेंगे नहीं, मना नहीं करेंगे? अदील मियां, देखिए बुनियादी तौर पे ये चांद की लड़ाई है, उसी को लड़नी है। असमिया को अगर उससे कोई शिकायतें हैं तो वो चांदी को दूर करनी है। मैं और आप तो इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। ज़ाती तौर पे मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस घर में चांद के साथ कोई ज़्यादती या जुल्म नहीं होगा, लेकिन इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। लगता है चांद से फिर कोई गलती हो गई है। क्या मतलब, कैसी गलती? आपने देखा नहीं था इफ्तारी के वक्त अम्मी जी चांद को कैसे घूर घूर के देख रही थी? वरना जब से वो किसी से मिलने जाने वाला वाकया हुआ था, अम्मी जी कितना बारी निसार रहने लगी थी चांद पर। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम है। अच्छा ठीक है, अगर मेरा वहम भी है तो सही है, लेकिन आप कैसे इतनी श्योर हैं कि ऐसा कुछ नहीं है? अच्छा, अगर ऐसा हो भी जाए तो तुम्हें क्यों इतनी तशवीश हो रही है? ये फरजाना जाने या चांद, ऐसे ही बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, या ऐसा तो नहीं कि ये चाहती हो कि फरजाना और चांद आपस में उलझ जाए? हैं? ये कैसी बातें कर रही है ताया मियां? मैं ऐसा क्यों चाहूंगी भला? ठीक ही तो कह रही हूँ मैं, इधर की उधर लगाना, लगाई बुझाई करना, ये तो आजकल की बहुओं का पसंदीदा मशगला है, सब जानती हूँ मैं। ताई अम्मी, मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको जाकर रेस्ट करना चाहिए। बच्चियां सो गईं? जी, थकी हुई थी, लेटते ही सो गईं। हाँ, आज एंजॉय भी तो बहुत किया उन्होंने। सुने, ऑफिस में कोई नई लड़की अपॉइंट हुई है? नहीं, वायरिंग तो नहीं हुई। क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो? मैंने सुना एक लड़की हुई है अपॉइंट, जिया के नाम से। अरे वो जिया, वो डैड के पार्टनर है ना, उनकी बेटी है, उनकी गैर मौजूदगी में काम करने के लिए आई। वैसे तुम्हें किसने बताया? ओह, अब समझा कि बिलाल साहब जो हैं वो ऑफिस से जल्दी घर क्यों आ गए। उनके सर में नहीं बल्कि पेट में दर्द हो रहा।
समिया को जो बताना था। इसका मतलब है मेरी खबर सही है? हाँ, मैं तुम्हें बता तो रहा हूँ कि जो डैड के पार्टनर हैं दुबई में होते हैं, वो इलाज के लिए यूके गए, उनके ब्याह पे उनकी बेटी काम कर रही है। मैंने सुना है कि हसन के अंडर काम कर रही हो। अरे वो कोई असिस्टेंट थोड़ी है जो किसी के अंडर काम करेगी। वो डैड ने बिजनेस सीखने का कहा तो क्या हसन के साथ काम कर लो। हसन को जैसे बहुत काम करना आता तो है। हसन के मिजाज को मैं जानती हूँ ना, उसे ये सब कुछ नहीं पसंद। तो फिर क्या मतलब है? मतलब तुम कहना चाह रही हो मैं अगर उससे कुछ कहूँगा तो उसे बुरा लगेगा? हाँ उसे बुरा लगेगा। आप हसन को नहीं जानते, वो अपने जाती मामला किसी से शेयर नहीं करता, यहाँ तक कि अम्मी से भी नहीं करता। और सोचे अगर आपने उससे ऐसी कोई बात की तो उसे कितना बुरा लगेगा। तो फिर इस मामले का हल कैसे निकलेगा? मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है चांद। आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरी किस्मत में जो लिखा है वो होकर रहेगा, उसे मैं या आप बदल नहीं सकते। अल्लाह ताला ने मुझे जिंदगी में इतना कुछ दिया है कि जितना शुक्र अदा करूं कम है। अब अगर कोई मेरे मिजाज के खिलाफ चीज हो रही है तो मैं नाशुक्री तो नहीं बन सकती। मैं जानता था कि तुम हौसला मंद हो, लेकिन आज मुझे यकीन नहीं है। लेकिन बस जो कदम भी उठाओ ना, सोच समझ कर उठाओ, और याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हर कदम। तुम खामोश क्यों हो चांद? बताओ ना सबको कि ये इल्जाम गलत है। ये क्या बोल रही थी? इसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं, और मैं इतना बेगैरत नहीं हूं कि सब कुछ जान के भी इसे कबूल कर। बस कर दो हसन, मुझे तो लगता है कि तुम चांद से जान छुड़ाने के लिए झूठ बोल रहे हो। हसन बेटा तुम क्या बात कर रहे हो? कम अज कम मुझे तुमसे इस किस्म की अहमकाना बात करने की उम्मीद नहीं थी। डैड मैं भी गैरत कहलाने से अहमक कहलाने को तरजीह दूंगा। देखो चांद, लड़कियों का ससुराल में खामोश रहकर सब कुछ सहना ठीक होता है, मैं मानता हूं, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनमें अगर आप खामोश रहें तो मामला तो और उलझ जाते हैं। तुम बोलो ना, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? बताओ ये इल्जाम है गलत है ये सब? जान अगर तुम अपनी सफाई में कुछ नहीं बोलोगे बेटा तो ये लोग सारा गन तुम पर थोप देंगे। खुदा के वास्ते अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। इस खामोशी की आड़ में तुम चुप नहीं रह सकती, हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकती। तुम बोलो, प्लीज कुछ बोलो, अपनी खातिर ना सही मेरी खातिर बता दो, इस तरह खामोश मत रहो। हसन काफी बिजी था आज, वो डैड के बिजनेस पार्टनर की बेटी है ना, क्या नाम है उसका, जिया। हाँ जिया, बस वो उसी के साथ कुछ मीटिंग्स थी उसकी। मेरा तो ख्याल है अभी भी दोनों साथ में ही होंगे। वैसे बिली बता रहे थे कि काफी शौक है उस लड़की को बिजनेस सीखने का, इसलिए डैड ने उसे हसन के साथ काम करने के लिए लगा दिया। और हसन तो आज ऐसे खुश हो रहा था जैसे कोई कारनामा अंजाम देने वाला। खाना लगा दो। मैं इस घर में मेहमान नहीं हूँ, घर है मेरे, और अगर मुझे खाना होगा तो किसी मुलाजिम से कह दूंगा, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। वैसे हैरत की बात है, सुबह से गए हुए इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, मगर आप दोनों ने फिर भी डिनर नहीं किया। आप दोनों ने? आप दोनों से क्या मुराद है, कहना क्या चाह रही हो? आप अच्छी तरह जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, लड़की के बारे में जो आपको बहुत पसंद है, इसके साथ आपको बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारा दिमाग तो खराब भी हो गया या ठिकाने लगाऊं मैं?
तरीके से ये बात कहने की। मैं आपकी बीवी, आपसे सवाल करना मेरा हक। तुम शायद ये भूल रही हो कि मैंने तुम्हें ये हक नहीं दिया हुआ, मगर आप शायद भूल रहे हैं कि मैं आपके निकाह में हूँ। निकाह के चार पेपर्स ने इस घर के दरवाजे तो तुम पे खोल दिए, लेकिन मेरे दिल के नहीं चांद। मेरे दिल के दरवाजे नहीं खोले तुमने, याद रखो। इतने पास हो के भी दूरियां क्यों रहती हैं, हम किसे बताऊं वो धड़कने जो सहती हैं, खो गए मोहब्बत के सिलसिले न जाने। क्या समझती अपने आप को, यहां भूख से जान निकली जा रही है, उसकी फजूल बातें नहीं खत्म होती। सलाम अलैकुम भाभी। वालेकुम सलाम। तुम इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हो? बस भाभी भूख लग रही थी, सोचा खुद ही कुछ निकाल लूं। अब इस वक्त क्या मुलाजमीन को जगाऊं, सो रहे होंगे बेचारे, रमजान है, सहरी पे भी जागना होता है उन्होंने। ये तो है। अच्छा मैं खुद बना देती हूँ तुम्हारे लिए कुछ, वैसे टाइम पर आ जाते ना तो सबके साथ मिलके डिनर कर लेते। क्या करूँ भाभी, ऑफिस में इतना काम है, ऊपर से मीटिंग्स पे मीटिंग्स, दिमाग खराब हो गया। ये तो है। वैसे बंदा जब थका हारा घर आता है ना तो उसको खाना तो अच्छे से सर्व कर देना चाहिए, जान को सोचना चाहिए इस बारे में। हसन आ गया? जी आ गया। अच्छा खाना खा लिया उसने? भूख लगेगी तो खुद खा लेगा, घर पे बहुत मुलाजिम काम करते हैं। क्यों बेटा, क्या हो गया? उसने फिर कुछ कह दिया क्या? नहीं उसने कुछ नहीं कहा है, मैंने उससे बात की है तो जिसे सुन के उसे आंख लग गई है। ताई जान आप कहाँ जा रही है? बेटा जाके उस आग पर पानी डालने की कोशिश तो करूँ मैं। उस आग पर पानी डालने का कोई फायदा नहीं, काम करो उसी को उठा के पानी में डाल दे। तुम किस सोच में पड़ गए हो? जी कुछ नहीं। अच्छा भाभी वो बिलाल भाई आज जल्दी घर आ गए थे ना ऑफिस से, खैरियत थी? हाँ खैरियत थी, उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाना था इसलिए आते ही चले गए। क्यों क्या हुआ, सब ठीक तो है? जी हाँ जी सब ठीक है। वो ऑफिस का कोई जिक्र किया उन्होंने आपसे? नहीं ना हसन, मैं तुम्हें बताया ना कि वो ऑफिस से आते ही निकल गए थे इसलिए मुझसे कोई बात नहीं हुई उनकी। वैसे सब ठीक तो है ना, कुछ हुआ है क्या ऑफिस में? जी जी सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। अच्छा नहीं उस भाभी कुछ बना के दीजिए, कुछ बहुत भूख लग रही है। हाँ
Can I have some hot chocolate, by the way? अरे हसन, तुम बाहर चलकर बैठे, मुझे कुछ बात करनी है। जी जरूर। क्या बात है, आज बहुत देर हो गई, ऑफिस में बहुत काम है। जी वो रूटीन वर्क के अलावा भी कुछ मसरूफियात हैं। एक्चुअली डैड के बिजनेस पार्टनर हैं, उनकी बेटी आई हुई है। जी हाँ, वही आई हुई है ना, और डैड ने उसकी ट्रेनिंग के लिए उसे तुम्हारे साथ लिंक कर दिया है ना। लेकिन आप ये बात कैसे जानते हैं? इफ्तार में गया था, मैंने वहाँ ये सारा वाक्य सुना। क्या सोच रहे हो? जी कुछ नहीं। आई होप ये बात तुमने चांद को तो बता दी होगी। कौन सी बात? यही जिया वाली बात। इसमें बताने वाली भरा क्या बात है, एक ऑफिशियल मैटर है, दैट्स इट। लेकिन शायद तुम नहीं जानते कि ये ऑफिशियल मामला काफी मुख्तलिफ अंदाज में चांद के, बल्कि हम सब के सामने पेश किया गया है। What? ये क्या कह रहे हैं आप? वही कह रहा हूं जो मैंने सुना है इफ्तार में। देखो हसन, किसी बात को मुख्तलिफ अंदाज में पेश करना या फिर किसी भी मामूली सी बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, ये कुछ लोगों के लिए बहुत छोटी बात होती है, लेकिन कभी कभी ऐसी बातों से घर तबाह हो जाते हैं। और मैंने तुम्हें सहरी में जागने के लिए कहा था, लेकिन शायद तुम्हारी आंख नहीं खुली थी। वो एक्चुअली अभी से अपने मोबाइल में अलार्म लगा लो। जी। रोजे बहुत तेजी से गुजर जाते हैं, ये बहुत मुकद्दस महीना होता है, रोजे रखा करो, रब राजी होगा तो सारी खुशियां मिल जाएंगी। जी बात सुनो फरजाना, मैंने तुम्हें कहा था कि सलमान और बिलाल को भी बुला लो, क्यों नहीं है वो यहाँ? मेरे जहन में नहीं रहा उनको बुलाना। तुम्हारे जहन में कुछ रहता है, छोड़ो, मैं खुद बुला के लाता हूँ। अरे यस बेटा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, आओ आओ, कम जॉइन अस। अमीजी, जब इंसान को घर में मोहब्बत और तवज्जो ना मिले ना, तो ये चीज़ें बाहर ढूंढने लगती। क्या कहना चाहती हूँ, तुम्हारा मतलब क्या है? अमीजी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हसन ने चांद से शादी की थी, तो उस बात पे किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया था। अब अगर वो किसी और को पसंद करता है तो हमें भी एतराज़ नहीं करना चाहिए। हसन की जिंदगी उसकी मर्जी। देखो सोनिया, हसन ने चांद से शादी अपनी पसंद से की थी, अब हसन किसी और को पसंद करता है, ये कैसे हो सकता है? उसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अमित जी, हसन ये शादी करके खुद बचता है। आपने देखा नहीं है कि जब से उसकी शादी हुई है वो कितना नाखुश रहता है? शादी कोई गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं है, उसे समझना चाहिए। और वैसे भी आप ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हसन और चांद की शादी सरासर बेजोड़ शादी है। और ऐसी शादियां बहुत देर तक चलती नहीं, लेकिन फिर भी उसे समझना चाहिए।
कैसी हो जिया? बिजी हो तुम? जस्ट अ मिनट। या नहीं यार, कुछ खास नहीं। तुम बताओ कैसा लग रहा है ऑफिस में? बहुत बोरिंग। मुझे नहीं अंदाजा था कि बिजनेस वर्ल्ड इतनी टफ और खुश्क होती है। वेल, अगर ऐसा है तो जिया, पर तुम बिजनेस कैसे सीखोगी? हाँ तो एक दिन में तो नहीं सीख जाऊंगी ना। अच्छा आज हम बाहर अफ्तारी कर रहे हैं, बताओ कहाँ ले जा रहे हो? तारीफ? हाँ लेकिन जिया भी तो अच्छा खासा टाइम है अफ्तारी। तो क्या हुआ, शॉपिंग कर लेंगे, इस तरह आउटिंग भी हो जाएगी और तब तक अफ्तार का टाइम भी हो जाएगा। वो असल में बहुत कम दिन रह गए हैं मेरे जाने में, सोच रहा था शॉपिंग कर लूं। अगर आप इजाजत दें तो चांद को साथ ले जाओ। हाँ क्यों नहीं, मैंने तो इसे कभी भी नहीं रोका कहीं जाने से। चली जाऊं मैं? हाँ क्यों नहीं, जरूर जाओ। चलो खुदा हाफिज़। ठीक कह रही थी, बहुत ट्रैफिक जाम है इस वक्त, तो अमूमन ट्रैफिक बहुत बढ़ जाता है। पहले एक बड़ी अच्छी रिवायत थी, रोजेदारों का रोजा खुलवाना सवाब समझा जाता था। अब भी ये रिवायत बाकी है या नहीं? जी हाँ, अब भी बहुत सी अच्छी रिवायत बाकी। क्या सोच रही थी? हमारी बचपन वाली आदत गई नहीं, गुस्से में अब भी मुंह फुला लेती हो बिल्कुल बलून जैसा। सो स्माइल। हसन तुम कहाँ हो बेटा, रोजा खुलने का वक्त हो रहा है। मॉम वो एक्चुअली एक फ्रेंड ने इफ्तारी पे इनवाइट किया हुआ है, वहाँ आया हूँ। तो बेटा रोजा तुम हमारे साथ खोलते ना आकर, अच्छा लगता। माँ मेरी तो पूरी कोशिश थी कि इफ्तारी घर पे करूँ, लेकिन बस अचानक ये प्लान बन गया। ओफो बेटा, आज चांद भी घर पर नहीं है और वो अदील को भी साथ ले गई, तुम आ जाते थे तो अच्छा लगता। मामा को बताया तो है कि बस अचानक ही प्रोग्राम बना, otherwise I wanted to come home। हसन अजान हो गई है, रोजा खुल गया, प्लीज आ जाओ। हसन तो कह रहा था कोई दोस्त है, मगर ये तो किसी लड़की की आवाज है। पाकिस्तान में ये बड़ी अच्छी रिवायत है, लोग रोजा बड़े शौक से खुलवा देते हैं। हमने रास्ते में ही खोल लिया था रोजा। अच्छा, लेकिन फिर भी आइए ना, कुछ तो लीजिए, आपके इतना एहतमाम किया हुआ है हमने। और बेटा चांद तुम भी शुरू करो ना, कुछ ले लो। मैं नमाज पढ़ क्या। अच्छा हाँ, तो आप तो बैठिए दिल साहब, आइए ना कुछ लीजिए ना।
रास्ते में खोल लिया था रोजा, मेरे ख्याल में मैं भी पहले नमाज पढ़ूं फिर। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, आइए मैं आपको जाए नमाज दे देता हूँ। बहुत खुशी होती है लेकिन आज बहुत ज्यादा इसलिए हो रही है कि आज मुझे एटलीस्ट अकेले नहीं रोजा खोलना पड़ा। ओहो क्या हो गया जिया, भाई देखो तुम मेरी मेहमान हो, उस हिसाब से मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, तुम्हें आसानियां दूं। थैंक्स फॉर एवरीथिंग हसन। यू नो व्हाट, तुम्हारी यही सोच तुम्हें बाकी सब लोगों से अलग करती है। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ओके बाय बाय, टेक केयर। इंच या अंदर आ जाओ, आपको इजाजत की जरूरत नहीं। फिर भी अंदर आने से पहले इजाजत लेनी पड़ती है। तुम बहुत समझदार हो चांद, अगर समझदार के पास भी एक ही दिल होता है और दुखता भी है। तुम्हारी फीलिंग्स को मैं समझ सकता हूँ, फीलिंग्स इस वक्त क्या है, लेकिन मैं उसकी साइड नहीं लूंगा, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है। गलतफहमी हो सकती थी, सोचता है कि सब झूठ बोल रहे हैं मुझसे, और समय भाभी ने भी झूठ बोला, लेकिन मैंने हसन को अपनी आंखों से देखा एक लड़की के साथ। कभी कभी आंखों देखा भी तो सच नहीं होता, उसके पीछे क्या सिचुएशन है ये हमें नहीं पता होता। आप मान जाएं कि मैं ये जंग हार चुकी हूँ। नहीं नहीं, जो अल्लाह पर यकीन रखता है वो कभी कोई जंग नहीं हारता। बस तुम अपना भरोसा कायम रखो खुदा पे, सब ठीक हो जाएगा। और सोनिया और बच्चे अफतारी की वजह से नहीं आएंगे और अदील और चांद आ जाएंगे। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम फरजाना, अदील मेहमान है हमारे, तुम फिर लाजमी है कि तुम उसको जाके बुलाओ खाने के लिए, जाओ बुलाओ उसे। वैसे चांद और अदील आज अफतारी पर भी नहीं आए थे, इसलिए अब तो भूख उन्हें लाजमन लग रही होगी। अगर भूख लगी होती तो आ जाते खाने पे, और वैसे भी चांद और अदील दोनों शॉपिंग पे गए थे, लेट हो गए थे, हो सकता है कुछ खा पी कर आए। रोजाना अपने ख्यालात के आधार मत कीजिए, जाइए अदील और चांद को बुला के लेकर आइए, अगर खुद जाना नहीं चाहती तो शहनाज को कहिए, वो बुला लाएगी दोनों को। शॉपिंग के बाद थक गई होगी, कह रही थी भूख नहीं है बाद में खाएगी। फिर कहाँ तक पहुंचा तुम्हारा प्लान? मेरा प्लान कभी नाकाम नहीं होता सोनिया,
बस समझे तीर बिल्कुल निशाने पर, बिल्कुल दिल पे। अच्छा तो तुम आगे क्या करने का सोच रही हो? अब आगे क्या सोच रहे? कुछ नहीं, बस बस इस शक के बीज को बदगुमानी का पानी देते रहना, यूं करके ये तनाव तरफ बनेगा। देखो चांद।